अपनी संस्कृत की बुक निकालेंगे क्लास एट। एट क्लास संस्कृत की बुक निकालिए। संस्कृत की बुक भगवत चुगम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इसके रचयिता बोधायन कहे गए हैं। इसमें बसंत सेना नामक कनिका अपनी सेविका पर कृतिका के साथ उद्यान में विहार के लिए आती है। उसका प्रेमी रामिलक उससे मिलने वहां आता है। इसी बीच यम के द्वारा भेजा गया दूत जिसे बसंत सेना नाम की किसी अन्य स्त्री के प्राण ले जाना है। सर्प बनकर गलती से वह इस बसंत सेना को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक परिव्राजक सन्यासी अपने शिष्य के साथ आए हुए हैं। बसंत सेना को मृत देखकर शिष्य सारल्य दुखी हो जाता है। तब परिव्राजक योग से अपना जीव गणिका की काया में प्रवेश करा देते हैं। गणिका जीवित हो जाती है। उधर गलत जीव लाने पर यमराज यमपुरुष को डांट कर वापस भेजते हैं। उद्यान में वापस आकर यमपुर देखता है कि जिस गणिका के प्राण भर ले गया था वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। तब यमपुरुष सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी के देह में डाल देते हैं। गणिका सन्यासी की तरह बोलती है। सन्यासी गणिका की तरह इस उलट पेट में से इस नाटक में एक विसंगत हास्यपूर्ण एवं रोचक स्थिति बन जाती है। पढ़ेंगे तत् प्रविशन्ति समय प्रियराजकस्य जीवने अविष्टा बसंत सेना। इसके बाद सन्यासी के प्राण उससे युक्त बसंत सेना चेती रामिल कश्चय प्रियराजकस्य निर्जीव देहेन सह शिष्य सांगिल्य अपरत है अन्यया चेतया सह वित्त है। सेविका रामलिका और सन्यासी के निर्जीव शरीर के साथ साडिल्य नामक शिष्य तथा दूसरी ओर अन्य दासी के साथ वेद प्रवेश करते हैं। आगे है वेद कहता है पुत्र सा कहाँ है वह चेटी ऐसा खलु अचुकात न दावत सत्पस्थिता। यह सामान्य महिला प्राण से रहित है। वेद कहता है अरे यह सर्पेण दृष्टा अरे यह तो यह सांप के द्वारा डसी गई है। फिर चेटी कहता है कथमार्यो जानती चेटी कहता है आर्य आप कैसे जानते हैं। वेद कहता है महंतम विकारम करोति थी बहुत अधिक विकार करता है विषतंत्रम आरम्भे ऐसा मंत्र द्वारा विष दूर करना आरंभ करता है। कुंडल कुटिल कामिनी एक कुंडल के समान टेढ़ी चाल वाली मंडलम प्रविश्य घेरे में प्रवेश कर वासुकी पुत्र ठहरी सुसु अहम ते सीधा वेद करिष्यामी मैं तेरी नाड़ी काट दूंगा। पुत्र
कुठारी का, कहाँ है छोटी कुल्हाड़ी। फिर आगे है गणिका, कहता है मूर्ख वेद्य अलम परिसमेण, परिसमेण मत करो। वेद्य है पित्तमप्यस्ति, पितरोग भी है। अहम ते पित्तम वातम फकम न नास्यामि, फकम च नास्यामि। मैं तेरे पित्त वात और कफ को नष्ट करता हूँ। फिर है रमलिका कहती है वो, रमलिका कहती है वो, अरे प्रियताम यत्न कोशिश कीजिए, न खलत खल्व कृतज्ञा वयम, हम कृतज्ञ नहीं है। गुलिका आनयामी, दवाइयों की गोलियां लाता हूँ। फिर आगे है आगे, फिर वह कहता है, फिर वहां पर जो है यम पुरुष से प्रवेश करता है। यमराज ने मुझे डांटा, न सा वसंत सैन्यम क्षिप्रम तत्रेव नियताम। यह वसंत सेना नहीं है, इसे शीघ्र ही वापिस ले जाओ। अन्य वसंत सेना या क्षीण उष्टा मीना अनय, जिस दूसरी वसंत सेना की आयु समाप्त हो गई है उसको यहाँ ले आओ। यावत अस्य शरीरम अग्नि संयोग न स्वीकरोति तत् तावत् स प्राण आने प्राणमेना करोमि। जब तक इसका शरीर अग्नि को नहीं सौंपा जाता तब तक इसे जीवित कर देता है। फिर आगे है विलोक्य देकर, आए अरे उचिता खलीव्यम, यह तो उठ गई हो किंतु खलविदम, अरे यह क्या हुआ। अस्य जीवो मम मरे मम करे उचित देशा वारंगाना, इसका जीव मेरे हाथ में है, यह श्रेष्ठ महिला उठ गई है। आश्चर्य परम लोके भूमि पूर्व न दृश्यते, संसार में यह महान आश्चर्य है कि पृथ्वी पर पहले ऐसा नहीं देखा। फिर आगे है आए अयमत्र भवान योगी प्रिवराजक क्रीडति, अये अरे यह आदरणीय योगी सन्यासी खेल रहा है, अब मैं क्या करूँ। भवंतु दृष्ट्वा, मैंने देख लिया, अस्य गणिकाया आत्मानं प्रिवराजक शरीरे नस्य अवस्थे पशिते कर्मणि यथास्थानं विनियोजनामि। इस गणिका की आत्मा को सन्यासी के शरीर में रखकर कार्य को समाप्त हो जाने पर वेद स्थान स्थापित कर दूंगा। फिर कहता है प्रियव्राजक, कहता है उत्थाय गंडिकाया स्वरेण, उठकर गंडिका के स्वर में, परम वृत्तिके परम वृत्तिके, पर वृत्तिका हे पर वृत्तिका सारिल्य, अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, भगवान का प्राण निश्चय ही लौट आया है। प्रियव्राजक, पुत्र पुत्र रामलिका, पुत्र पुत्र रमालिका कहाँ है। भगवान ने स्मिन, भगवान मैं यहाँ हूँ। भगवान की मिदम, भगवान यह क्या है। रुद्राक्ष ग्रहणो चित्त वाम हस्त है, रुद्राक्ष ग्रहण करने योग्य बाया हाथ। संखल्व खलवय पुरीद इव मे प्रतिभाति नहीं मनीव, संख निर्मित कले की भांति प्रतीत हो रहा है। रामलिका आलिंगम माँ, रामलिका मेरे आलिंगन करो अर्थात मेरे गले लग जाओ। ततः प्रविष्टतम वेद्य, फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है वो वेद वहाँ पर प्रवेश करता है। गुलिका मया अनीता उद्गम उद्गम, को ये मैं गोलियाँ ले आया हूँ, पानी पानी इधम उद्गम, यह रहा पानी। गुलिका अब गोलिया गोठता हूँ।
सन्यासी सभ्य में सन्यासी स्वर में कहती है गणिका मूर्ख वेद मूर्ख वेद जानासी कत्मेन सर्वेण यह स्थिर दृष्टा मतलब गणिका है जो वह कहती है कि जानता है कि साप ने दसा है इन स्त्री को। अरे ये प्रत्येन अभिष्टा अरे इसे तो प्रेत ने घेर लिया है शास्त्र जानसी शास्त्र जानता है अथम की और क्या वही वेद शास्त्र बता वेद शास्त्र सुनो तुम भवती आप सुनिए वातिका पेतिका श्रेष्मा कश्चय महाविशाल त्रीणी सर्पा भवंत ये चतुर्थो नाति गंभीर फिर कहता है वातिका अर्थात वायु वित्त और कफ वाले ये तीनों ही भयंकर विशेष सर्प होते हैं चौथे का पता नहीं। गणिका फिर गणिका कहती है अयम अयम अपशब्द है अरे यह गणिका कहती है यह गलत है त्रय सर्पा इति वक्तव्यम त्रय सर्पा कैसे ऐसा बोलना चाहिए त्रीणी नपुंसकम भवति यह नपुंसक त्रीणी तीन नपुंसक होता है अरे अरे यम व्याकरण सर्पेण खादिता भवेन अरे ऋषि तो व्याकरण के साथ ने खाया है कियंतो विश्वेगा अरे अरे फिर आगे है कियंतो तो फिर वेद कहता है कियंतो विश्वेदा विश्वेग से विश्वेग सो है गणिका कहते हैं न सप्त में विश्वेगा नहीं नहीं सात सात विश्वेगा है तत्ता जो इसका रोमांचो मुख से सो साष्ट्र वे वर्ण्यम चैव वे प्रथम हिंकार श्वासश्च सम्मोह है सप्तेता विश्वक्रिया रोमांच मुख सूखना और रंग फीका पड़ता है और कपकपी हिचकी सांस और बेहोशी ये सारे विष के विकार हैं अर्थात विष के प्रभाव से शरीर में उत्पन्न सात प्रकार के विकार पैदा होते हैं। फिर आगे हैं यह मेरा हमारा विष नहीं है आपको प्रणाम है मैं तो जाता हूँ। फिर आगे है यम पुरुष कहता है भगवान उच्चता गणिकाया शरीरम भगवान गणिका का शरीर छोड़ दीजिए अस्तु ठीक है यथा जिस प्रकार अस्य जीवी जीव विनिमय कृत्वा यावत महमपि स्वकार्य अनुतिष्ठामि जैसा जैसा इसका जीव बदलकर तब मैं भी अपना कार्य करता हूँ। फिर आगे हैं श्लोक दिया गया शिवमस्तु सर्व जगदाम पर हित निरदाम भवन्तु भूतगणाः दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखी भवतु लोकः सारे संसार का कल्याण सारे संसार का कल्याण हो प्राणीगण दूसरों का भला करते रहे दोष नष्ट हो जाए संसार सब सुखी रहे। यह हमारा पाठ था पाठ आप हिंदी से करेंगे हिंदी करेंगे इसकी हिंदी करके इसमें आगे क्या दिया गया शब्दार्थ हैं शब्दार्थ आप अपने कॉपी बुक में लिखेंगे बुक से देखकर लिखेंगे ये हमारे शब्दार्थ दिए गए हैं। आगे प्रश्न उत्तर हैं प्रश्न उत्तर लिखेंगे
वर्क है, आप सभी को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके क्लास।